सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पर बात करेंगे। हमने इसके लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो अगर असेट्स के डेप्रिसिएशन होते हैं या फिर लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है, इनकेस लॉस हो जाता है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। और अगर असेट्स की वैल्यूएशन बढ़ रही होती है या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू पहले से कम हो जाती है तो ऐसे केसेस में प्रॉफिट होता है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। हालांकि हमने लास्ट क्लास में इस पर कुछ जनरलिटीज बताई थी आपको और उसके बेसिस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया था, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बिना जनरलिटीज के भी बना सकते हो। सिर्फ ये करना होता है कि आपको अगर लॉस रिकॉग्नाइज हो रहा है किसी भी वजह से, असेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन होता है उसकी वजह से अगर लॉस हो रहा है तो उसे डेबिट, और गेन हो रहा है तो उसे क्रेडिट। तो आज के क्लास में हम लोग डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उससे मिलाकर पुराने पार्टनर और नए पार्टनर का साथ मिलाकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिर एक न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बाद बनता है। तो आज ये पूरा काम करेंगे, और ये पूरा जो स्टेप्स है ये 6 मार्क्स का आपको आता ही आता है। बोर्ड्स में भी आपके जितने भी स्कूल के एग्जामिनेशन होंगे, फर्स्ट टर्मिनल, इन सब में आपको ये मिलेगा। तो चलो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग आज अपना क्लैरिफिकेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, ए एंड बी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 आर एट, और ये बैलेंस शीट इज गिवन, जिसमें क्रेडिटर्स है बैंक लोन, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल ए बी का है, और इसी तरह से यहाँ पर भी है लिखा है दे एग्री टू एडमिट सी, सी इनटू पार्टनरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम 4 अप्रैल, यानी जिस डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है उस डेट के जस्ट एक दिन के बाद हम लोग सी को एडमिट कर रहे हैं। सी विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि जब कैपिटल के पैसे लाते हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल, ये एंट्री हम लोग पास करते थे। दूसरा, द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹60,000 एंड सी टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, ये भी बात आपने पढ़ रखा है पहले, उसे 1/4 शेयर मिल रहा है तो इसका 1/4 सी कैश में ला रहा है, यानी कि सी प्रीमियम के नाम पर 15,000 ला रहा है। उसके बाद ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है, ये रिवैल्यूएशन के बेसिस पर है। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5% and 10% रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों लॉस है क्योंकि डेप्रिसिएट हो रहा है, तो इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड बाई 5% ऑफ डेटर, डेटर की जो वैल्यू है यहाँ पर 30,000, इसका 5% हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल बनाना है। लास्ट क्लास में हमने समझाया था इसे भी हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं, बिकॉज ये प्रॉफिट को हमें कम करना होता है इस लॉस के नाम पर। नाउ तो बच्चों चलो, इसके बेसिस पर आपसे क्या क्या बोला गया है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और जो न्यू बैलेंस शीट वो बनाना है। मैंने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्मेट बना रखे हैं और डायरेक्ट हम यहाँ बनाने का काम करते हैं। चलो तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला पॉइंट जो कि लॉस है, तो स्टॉक और फर्नीचर को हम डेबिट में लिखेंगे, टू स्टॉक और टू फर्नीचर, चूंकि स्टॉक जो है वो 5% है तो इसका 5% निकालेंगे इट कम्स 2,000, एंड फर्नीचर का जो है वो 10% ऑफ फर्नीचर 20,000, उसका 10% 2,000 होगा। तो इस तरह से हमने थर्ड पॉइंट को डील किया। लास्ट में है फोर्थ नंबर है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है, 5% हम निकालेंगे, 5% निकालेंगे 30,000 का, और इसे हम यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो ये अमाउंट आता है 1500। बस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ओनली दीज टू इन्फॉर्मेशन लास्ट में है, हमने ये अकाउंट बना लिया। अब हम देख रहे हैं कि सारा का सारा डेबिट में है, यानी कि ये डेबिट साइड हमारा लॉस होता है, तो ये लॉस है तो ये लॉस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस
ट्रांसफर्ड टू। पार्टनर हमारे पास दो हैं पुराने, ए एंड बी। ये लॉस जो है ए और बी में ही ट्रांसफर किया जाएगा। सी तो नया पार्टनर, आज के बाद होने वाले जो लॉस है उस पर सी का भी शेयरिंग होता, लेकिन यहाँ लॉस सिर्फ ए और बी को बियर करना है। 5500 को हमें 3:2 में डिवाइड कर देना है, और एक का आता है 3300, दूसरे का आता है 2200। तो इस तरह से बच्चों देखा हमने कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। नाउ अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और समझते हैं कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले कैपिटल की जो ओरिजिनल बैलेंस है, इस बैलेंस को हमें कैपिटल, चूंकि लायबिलिटी साइड में है और कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सबसे पहले ये अमाउंट क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी के नाम पर आएगा। सेकेंड थिंग, जितने भी तरह के रिजर्व्स हैं, जैसे यहां पर ये रिजर्व्स है, ये कॉम्पनसेशन फंड है, इन दोनों पर क्लेम होगा सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर का, क्योंकि ये पुराने पार्टनर के प्रॉफिट से बनाए गए फंड है, तो इस पर नया पार्टनर का कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। इसीलिए नया पार्टनर के एडमिशन के पहले किसी भी टाइप के प्रॉफिट या लॉसेस है इसे पुराने पार्टनर के बीच हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब इसके लिए, इन दोनों के लिए हम एंट्री बनाते हैं वो क्या होता है बच्चों, चूंकि ये लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, तो हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को जब ट्रांसफर करेंगे तो इसको डेबिट करेंगे। कितने का है ये? 6000 का। और इसे ए और बी में ट्रांसफर करेंगे तो आप लिखोगे एज कैपिटल एंड बी कैपिटल, और 3:2 में हम इसे डिवाइड करेंगे 3600 2400। एंड सेम वे हम रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर करेंगे, ये क्रेडिट में तो लिखेंगे जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल, और ये 18000 को 3:2 में हम डिवाइड करेंगे। वो एंट्री मैंने नहीं बना के दिखाया, स्पेस नहीं था इसीलिए, लेकिन आप समझ तो गए कि हाँ जनरल रिजर्व को हमें डेबिट करना इस लाइक दिस, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए बी, और ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसे ट्रांसफर करते हैं तो ये क्रेडिट में है, ट्रांसफर में ये डेबिट होता है, तो ये दोनों अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगला चीज अब बनाएंगे कि इन दोनों को हमको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। चलो तो बच्चों, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ये 30,000 का बैलेंस को हम लोग लिख के दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, 36,000 ए में है, 30,000 बी में है। हमने ट्रांसफर एंट्री दिखलाया था जिसमें ए और बी को हम क्रेडिट कर रहे हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड के नाम पर, तो चूंकि ये भी क्रेडिट है इसलिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड के नाम पर हम ये अमाउंट को भी यहां ट्रांसफर करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाइक जनरल रिजर्व जो हमारा 18,000 का है, ये 18,000 का जनरल रिजर्व को भी हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 3:2 में। तो ये 10,800 और ये 7,200 आ रहा है। याद रखना कि जितने भी रिजर्व फंड है, जितने भी फंड है स्पेसिफिक लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, ये जब हम ए और बी में ट्रांसफर करेंगे इस फंड से उनके कैपिटल बैलेंस बढ़ेंगे। और आपको भी बताया कि कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करना होता है, तो ऐसे भी आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि क्यों क्रेडिट में हम किसी चीज़ को एंट्री कर रहे हैं। अगर कैपिटल का बैलेंस बढ़ने की बात है तो क्रेडिट, घटने की बात है तो डेबिट। ये बात आपको अभी से समझ के रखना भी है आगे के लिए। ना बच्चों, ये करने के बाद में हम लोग ये भी चेक करते हैं कि रिजर्व फंड वगैरह तो हमने कर दिया, फिर देखते हैं एसेट में क्या गुडविल है। आपको सिखाया था कि अगर गुडविल पहले से अपीयर हो रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो टॉपिक उसके अंदर, अगर गुडविल हमारा अपीयर हो रहा है एसेट में तो हमें उसे राइट ऑफ कर देना है। और आपको उसके लिए एंट्री बताया था कि गुडविल क्रेडिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा। तो अगर गुडविल होता आपके क्वेश्चन में तो गुडविल को भी हम इस साइड में शो कर दें। हालांकि कौन कौन से आइटम हमें ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, इसका हम एक सेपरेट अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने बैलेंस शीट से प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, जो बैलेंसिंग फिगर ये ट्रांसफर कर दिया, और अब हमें क्या करना होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो उनके कैपिटल को बढ़ाएंगे और अगर लॉस है तो उनके कैपिटल को घटाएंगे। आपने देखा है यहाँ पर लॉस हो गया है, तो लॉस के लिए हम डेबिट में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3300 एंड 2200।
नाउ यहां तक करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इंफॉर्मेशन था कि वो 30,000 क्वेश्चन अभी छिप गया, लेकिन आपने देखा हुआ है कि 30,000 रुपीज जो है कैश नया पार्टनर ला रहा है, जिसके लिए हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय कैश एंट्री, तो आप समझ गए इस एंट्री में सीज कैपिटल क्रेडिट है, सो क्रेडिट में हम सीज कैपिटल में ये अमाउंट लिखेंगे। नाउ और एक बात कि गुडविल के नाम पर भी उसने 15,000 लाया है। आपको पता है गुडविल के नाम पर जब नया पार्टनर लाते हैं पैसा, तो हम कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, और फिर सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करते हैं ए और बी में, जिसके लिए एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल टू बी कैपिटल, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल जब ए और बी में ट्रांसफर होगा, ए और बी क्रेडिट होंगे, उनके कैपिटल बढ़ जाएंगे, तो जब कैपिटल बढ़ेंगे तो उसे भी कैपिटल अकाउंट में हमें शो करना है। और ये अमाउंट आ रहा था आपका 15,000 को 3:2 में हम डिवाइड करेंगे 9,000 and 6,000। इतना कर लेने के बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल की फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने पूरा कर ली। अब हम इस, चूंकि ये लेजर्स है तो इसकी अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट में जो है वो तो अमाउंट छोटा है, पहले हम क्रेडिट के टोटल कर लेंगे। $59,400, $45,600 and $30,000 द सेम अमाउंट टोटल को हम यहां भी लिखेंगे 45,600 and $30,000। और फिर बच्चों क्या करते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, और इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो अमाउंट बचेगा बैलेंसिंग अमाउंट इसे हम यहां लिखेंगे 56,100। यहां पर भी हम लोग लाएंगे और ये तो पूरा का पूरा 30,000। तो इस तरह से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आपका क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था और आपको न्यू बैलेंस शीट भी बनाना था, तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट एक बार करके रख लो। और बच्चों अब हम लोग बताएंगे कि कैसे बैलेंस शीट हम बनाते हैं इसके बेसिस पे। मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट के लिए एक स्केच बनाया हुआ है, और बैलेंस शीट को देखो बच्चों हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। देखो यहां पर बैलेंस शीट कैसे बनता है, सबसे पहले हम असेट्स को देखते हैं, कैश, कैश को लिखेंगे सबसे पहले कैश। पहले से हमारे पास 4,000 था, न्यू पार्टनर ने 30,000 कैपिटल के नाम पर लाया और गुडविल के नाम पर 15,000 रुपये लाया, ये टोटल अमाउंट बन के 49,000 होता है जो कैश का बैलेंस होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बात बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में आपके क्वेश्चन के हिसाब से कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट जो था 10,000 ये पूरा का पूरा यहाँ शो करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका डेटर जो कि 30,000 का है, लेकिन आपका क्वेश्चंस में डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेट भी बनाना था, तो हम 30,000 का अमाउंट बाहर नहीं लिखकर इधर लिखेंगे और इसमें से लेस कर देंगे, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को हम शॉर्ट में BDD लिख रहे हैं 1500, और इस तरह से हम बाहर में लिखेंगे 28,500। नाउ बढ़ते हैं एक एक एसेट, जो भी हमारा गिवन फिगर है उसको लिखेंगे यहाँ पर स्टॉक 40,000। अब आपको स्टॉक के बारे में पता था कि स्टॉक में 5% का डेप्रिसिएशन हुआ था जो कि 2,000 आया था, तो हम लोग क्या करेंगे 40,000 में से 2,000 माइनस कर लेंगे और जो 38,000 आएगा उसे यहां से करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फर्नीचर जो 20,000 का है, आपका क्वेश्चन में फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन हो गया था, तो 20,000 में से 2,000 का डेप्रिसिएशन था इसे माइनस करेंगे और 18,000 विल राइट इन द आउटर कॉलम। नाउ अब आता है मशीनरी अकाउंट 26,000, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी, तो जो ओरिजिनल उसका अमाउंट है
उसी को यहां पर हम लोग लिखेंगे। बच्चों देखा आपने कितना आसानी से बैलेंस शीट हमारा बन रहा है। अब हम बात करेंगे लायबिलिटी साइड। सबसे पहले क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, देयर इज नो चेंजेस इन क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, तो सेम अमाउंट हम लोग यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स है ना, सीक्वेंस में लिखने से कुछ छूटता नहीं है। क्रेडिटर्स हमारा 25,000 का है, फिर हमारा बैंक लोन है, बैंक लोन कितने का है 15,000 का, वो लिख लिया। देयर आफ्टर क्वेश्चंस को देखते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, ऑलरेडी ये फंड हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर के बीच में ट्रांसफर कर दिया गया है, इसकी कोई बैलेंस अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लाइक दैट जनरल रिजर्व भी हम ट्रांसफर कर चुके हैं, तो अब बैलेंस में फिर से अपियर नहीं होगा। बात करते हैं कैपिटल अकाउंट को, तो यस कैपिटल अकाउंट हमें यहां पर लिखना है, और ये जो कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे अब ए बी एंड सी का लिखेंगे। सी तो 30,000 ला रहा था, अब जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस आया है उसे हम चेक करते हैं। देखो 56,100 एंड 43,400, तो 56,100 एंड 43,400, ये हम जो इन्फॉर्मेशन वहां था उसके बेसिस पर यहां लिख लिए। और फिर इतना करने के बाद में पहले इसकी टोटल हम लोग आउटर कॉलम में लिख ले। देयर आफ्टर जब हम इसे बैलेंस करते हैं तो दोनों का टोटल हमारा मैच हो जाना चाहिए। 500 हो गया, 169,500, और यहां पर भी हमें करना होगा, अगर सेम आता है तो फिर ठीक है। देखो बच्चों ये दोनों का टोटल इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है हम लोगों ने बिल्कुल सही बना लिया इसे। तो इस तरह से आपको ये अभी के बाद हम बहुत सारे जो वीडियोस लाएंगे आप पर वो इसी बेसिस पर होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, और सारी कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम एक क्वेश्चन के अंदर में बता दें तो आपको कन्फ्यूजन रह जाएगा, और इसे बताना मुश्किल भी है। तो हम लोग कई क्वेश्चन लाएंगे ताकि इस चैप्टर पर आपका कमांड बिल्कुल कॉन्फिडेंट वाला होना चाहिए। चलो अब यहाँ पर मैंने एक बात की थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं, तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होता है, हमें सोचना होता है कि किस चीज को पहले लिखा जाए, क्या क्या चीजें हम लिखे जिससे कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। देखो बच्चों आपने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा आसानी से बन जाता है क्योंकि लॉस और गेन के बेसिस पर यह बन जाता है। बैलेंस शीट भी देखा आपने बड़ा आसानी से बनता है, जो फिगर ऑलरेडी दिए हुए हैं उसमें जो चेंजेज आए चेंजेज के साथ न्यू बैलेंस शीट में लिख देना है। पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन चीजों को ध्यान में रखना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखाऊंगा, उसके बेसिस पर आप इसे समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना रखा है, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना कि ये दोनों ओल्ड पार्टनर है और ये न्यू पार्टनर है, सी इज न्यू पार्टनर हियर। हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो बैलेंसिंग अमाउंट होता है कैपिटल का उसे लिखते हैं। द फर्स्ट वर्क वी डू बैलेंस बीडी, ये इन दोनों में ए और बी, चूंकि सी तो नया पार्टनर है ना, तो ओल्ड बैलेंस शीट जो होता है उसमें तो पुराने पार्टनर के कैपिटल शो होते हैं, उसे हम लिखते हैं। दिस वुड बी आवर फर्स्ट अप्रोच टू डील, तो हमने ये नंबरिंग कर दिया। नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हम क्या देखते हैं कि बैलेंस शीट जो है उसके लायबिलिटीज में अगर ये सारी चीजें हैं, चाहे पीएल अकाउंट हो, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्शन फंड, अगर ये चारों में कोई भी एक हो, दो हो या तीनों हो या चारों हो, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में दो चीजें थी, एक ये थी और एक ये थी, तो हमने दोनों को लिखा था बारी बारी से, तो ये मैक्सिमम फोर को आपको देखना है, और ये फोर को आपको यहाँ पर बारी बारी से दोनों में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिखना है, और ये होगा आपका सेकेंड स्टेप टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
नाउ लाइबिलिटीज में अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है तो बच्चों इसे आपको नहीं लिखना है पार्टनर्स कैपिटल में, बिकॉज दिस इज अ लाइबिलिटी, दिस इज अ लाइबिलिटी, और ये लाइक क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन आपको दिखलाना है लाइबिलिटी साइड में अंडर न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ ट्रांसफर नहीं करना क्योंकि यहाँ फंड वर्ड है, जनरली हम फंड वर्ड को देखते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन बच्चों आपको इसे नहीं करना है क्योंकि ये एम्प्लॉइज का फंड है, यानी कि ये एम्प्लॉयर ओनर का नहीं है, एम्प्लॉइज का फंड है, इस पर क्लेम एम्प्लॉइज का है, तो दिस इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। नाउ बात करते हैं कि ये तो हमने स्टेप्स देखे हैं यहाँ का, असेट्स में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे असेट्स में ये तीन चीज है या नहीं है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर है तो बच्चों यहां से मैं कर दे रहा हूं आपको ये स्टेप, ये आपका थर्ड स्टेप होगा और यहां आपको टिक करना है, मतलब अमाउंट को ओल्ड रेशियो में हमें यहां ट्रांसफर करना, याद रखना जितना भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब ओल्ड रेशियो में होगा, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। तो आपने थ्री स्टेप्स देख लिया, यानी कि ये फॉर्मेट आप अपनी कॉपी में बनाकर रखना जब मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर लूंगा तो, और उसको अपने सामने रखना, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, आपको एक एक चीज देखना है, फर्स्ट पॉइंट में हमें ये आइटम देखने हैं आप देखो और लिखो, थर्ड पॉइंट में ये लिखने हैं आप देखो और लिखो, बस ऐसे ही करना है। फोर्थ में क्या देखेंगे हम लोग कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो गया तो आपको फोर्थ स्टेप है प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट के केस में आपको इसे क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल ए और बी में ट्रांसफर करना, सी में अभी नाम नहीं आ रहा है, और अगर लॉस हो गया तो बच्चों आपको इधर दिखलाना है, एक और बात कि ये फोर्थ नंबर है, मतलब चाहे तो इधर होगा या इधर होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं, आइदर प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो आपको इधर लिखना है और अगर लॉस हो गया तो आपको यहां दिखाना है। तीसरा से फोर स्टेप्स अभी तक हमने किए, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो नए पार्टनर बिजनेस में इन होते हैं कैपिटल के नाम पर जो पैसे लाते हैं तो उस पैसे को फिर हम लोग यहां लिखते हैं बाय कैश अकाउंट, और ये नया पार्टनर है इसीलिए हम यहां पर टिक कर रहे हैं, यानी ये पैसा इधर नहीं आ रहा है क्योंकि नया पार्टनर है तो उसमें जाएगा, एंड दिस वुड बी योर फिफ्थ अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फिफ्थ अप्रोच होगा। एंड द सिक्स्थ अप्रोच क्या होगा कि अगर पार्टनर ने, न्यू पार्टनर ने गुडविल के नाम पर पैसे लाए हैं तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और ये हमारा सिक्स स्टेप होगा। बता दें कि ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर डिवाइड कर दिए जाते हैं, ये अपना सिक्स अप्रोच होगा। और आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखा था कि कभी कभी पार्टनर गुडविल के नाम पर पैसे नहीं लाते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखते हैं बल्कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं, उसकी बात आज हम नहीं करेंगे, वो हम अलग जब क्लास इस पर सॉल्व करेंगे तब उस समय समझा देंगे, फिलहाल के लिए आपको ये एक तरह से याद करके रखना। सेवंथ पॉइंट क्या होगा कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर चाहे तो फुली या पार्शियली विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल बैलेंसेस ओल्ड पार्टनर के कम होंगे, तो डेबिट साइड में हम उसे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, और ये अपना सेवन स्टेप्स होगा, और यहां पर हम लिख देते हैं विथ ड्रॉवल ऑफ प्रीमियम, अगर होगा तो आपको एंट्री करनी है, नहीं होगा तो आपको कोई एंट्री कोई पोस्टिंग इसमें नहीं करनी है, यानी मैक्सिमम सेवन स्टेप्स हमने आपको बताया है। हाँ, इसके अलावा भी छोटे छोटे कुछ बात होती है, वो बेसिक्स जो नॉलेज है अगर हमको यहाँ आ गया तो वो छोटी छोटी बातों को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ कुछ नए क्वेश्चन तो वहाँ आपको समझाएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर ये अपनी कॉपी में लिख कर रखते हो बच्चों तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली इस चैप्टर में, और बड़ी आराम से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक काम करेंगे, अगले क्लास में कई क्वेश्चन के साथ हम फिर से आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।